हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। माय नेम इज अदिति सचिता। आज हम लोग बात करते हैं सीएफटीआरआई के एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस एग्जाम में टोटल हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट है हमारा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। तो मैं आपको मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि टोटल हमारा रीजनिंग का कम्प्लीट क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं और हम उन्हें अपने फर्दर क्लासेस में वन बाय वन कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा कंप्लीट सिलेबस रीजनिंग का, जिसमें टोटल हमारे 13 टॉपिक्स हैं या 13 चैप्टर्स हैं जो रीजनिंग से लिए गए हैं। कंप्लीट रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा मेजर एरिया है इन कंपैरिजन टू एनालिटिकल एंड लॉजिकल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला है हमारा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंशियल टेस्ट, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर। सो पीपल, टोटल 9 चैप्टर्स हमारे वर्बल रीजनिंग से लिए गए हैं। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो पार्ट है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का। तो फ्रेंड, सिर्फ एक चैप्टर हमारा लिया गया है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग से। एनालिटिकल, देन नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे हमारे टोटल 3 चैप्टर्स लिए गए हैं नॉन वर्बल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच रिश्ता होता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मम्मी के भाई के बेटे आपके क्या हुए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट या फिर एक पर्सन की पोजिशन को आइडेंटिफाई करना होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे पोजिशन के रेफरेंस में। फॉर एग्जाम्पल, सीता अपने नॉर्थ में 15 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद वहां से राइट टर्न लेती है और 5 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले वो अपने नॉर्थ के डायरेक्शन में चली, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर चली। नाउ सीता अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट, नाम से ही लग रहा है, कुछ व्यक्ति बैठे होंगे रो पोजिशन में या सर्कुलर अरेंजमेंट में, उनको आपको अरेंज करके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंशियल टेस्ट। इसमें क्या करना है, इस पर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में मिलेंगे, नंबर्स के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट है अल्फाबेट सीरीज। इट इज अ वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट की आपको सीरीज मिलेगी, लेटर्स की सीरीज मिलेगी, उसमें आपको लेटर्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, कोडिंग में आपको कुछ लेटर्स होंगे या कुछ एक मैसेज हाइड होगा, एक मैसेज छिपा हुआ होगा, उस मैसेज को आपको समझना है और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को टिक करना है। ओके, देन है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी या क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन होगा, जो एक्सप्रेशंस पे बेस होगा, आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे, उन्हीं के बेसिस पे आपको बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन होगा, सॉल्व करना है और आंसर करना है। देन है हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें क्या होगा, अगेन वी नीड टू प्ले विथ नंबर्स, नंबर्स के साथ में खेलना है, बट इसमें आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होंगे, एक से दो लाइन के स्टेटमेंट होंगे और उसको आपको रीड करना है और आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है हमारा वर्बल रीजनिंग में, मिसिंग कैरेक्टर का।
इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक पैटर्न दिया होगा, एक नंबर्स का सेट होगा जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा और उसी में से एक नंबर मिसिंग होगा, वो उस नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पीपल, ये था हमारा वर्बल रीजनिंग का सिलेबस, जिसको हम लोग एक एक करके अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की, जो हमारा एक है लॉजिकल वेन डायग्राम। इसमें आपको कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, कुछ चीजों के नाम लिखे होंगे और आपको लॉजिक लगाना है, समझना है और आंसर करना है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग अपने आगे की क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो पीपल, आपको नाम से ही लग रहा है नॉन वर्बल, सिर्फ इसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे, ऑब्जर्व करना है और आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला है हमारा एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होगा, इसमें आपको फिगर्स मिलेंगे जो एक रिलेशनशिप या एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। आपको फिगर्स भी मिल सकते हैं और आपको कुछ चीजों के नाम भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी होता है डॉग, डीओजी डॉग, ओके, देन डॉग इज रिलेटेड टू पपी, यस, देन कैट, कैट इज रिलेटेड टू हूम, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको पता है कि डॉग एंड पपी में क्या रिलेशन होता है, पपी डॉग के बच्चे का नाम होता है, तो कैट का जो बेबी होगा उसको क्या बोलेंगे, राइट? तो बहुत ही सिंपल से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपको एक सीरीज मिलेगी फिगर्स की, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस सीरीज में जो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है कौन सा फिगर है या कौन सा ऑब्जेक्ट है जो उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, वहां पर नहीं आ रहा है, उसमें आपको आंसर करना है। लास्ट, अगेन ये हमारा सीरीज है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको एक सीरीज मिलेगी जो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही होगी, कुछ नंबर्स की सीरीज मिल सकती है, लाइक 2, 4, 6, देन 8, देन व्हाट इज हियर। तो पीपल, ये एक सीरीज है, आप देख सकते हैं कि इवन नंबर्स की सीरीज है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10। तो इसी तरह के हमारे सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की रीजनिंग आएगी, जिसको हम लोग अपनी आगे की क्लासेस में डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइस, ये था हमारा सिलेबस डिस्कशन रीजनिंग का। सो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग अपने आगे के लेसन को एक एक करके पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।